काम के लिए सबसे क्या, तो जनरल लाइफ में भी इसका यूजेज है आपका, लाभ और हानि का, प्रॉफिट और लॉस जिसको हम लोग बोलते हैं। देखा भी जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लोग खरीदते हैं या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस होता है आपका, ठीक है, या तो कुछ भी प्रॉफिट या कुछ भी प्रॉफिट, लॉस नहीं होता आपका। या कोई भी दुकानदार से हम लोग आते हैं बोलते हैं कि हमको डिस्काउंट दीजिए तो आपको दुकान से खरीदे नहीं तो हम नहीं खरीद पाएंगे, डिस्काउंट हो जाएगा आपका। तो जो डिस्काउंट दिया जाता है आपका किसी भी वस्तु के एम आर पी पे दिया जाता है, ये नहीं कि कॉस्ट प्राइस पे दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस अलग होता है आपका और एम आर पी का आपका अलग होता है आपका। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब है वो जिस प्राइस पर खरीदे हैं उस प्राइस में क्या बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। लेकिन एम आर पी क्या होता है कि मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस होता है आपका, मतलब कि आप इसकी मैक्सिमम प्राइस में क्या कर सकते हैं बेच सकते हैं आपका, मतलब उसमें सब चीज़ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन ये सब जुड़ा हुआ रहता है आपका, जो भी आपका रेंट है बिजली बिल है सब उस पर जुड़ा हुआ रहता है मार्केट पे, सब चीज़ इंक्लूडिंग होता है। कॉस्ट प्राइस अलग होता है आपका, मार्केट क्या होता है आपका अलग होता है, एस पी होता है आपका जो विक्रय मूल्य होता है आपका। सबसे पहले हम इसको कुछ फॉर्मूला देख लेंगे, अगर कोई वस्तु हम लोग खरीद रहे हैं तो खरीदने पर अगर विक्रय मूल्य, ठीक ना, विक्रय मूल्य अगर मेरा क्या ज़्यादा है, विक्रय मूल्य मेरा क्या कम है, विक्रय मूल्य अगर क्या ज़्यादा है, क्रय मूल्य क्या आपका कम है, तो हमेशा क्या होगा आपका लाभ होगा। अगर क्रय मूल्य अगर ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम होगा तो इसी प्रश्न में क्या होगा हानि हो सकता है आपका। और अगर हम लोग हानि प्रतिशत निकालते हैं कोई भी वस्तु का हानि प्रतिशत निकालेंगे तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सॉरी लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए तो जो लाभ है तो हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करते हैं, ठीक ना, लाभ हानि प्रतिशत निकालेंगे तो किससे क्रय मूल्य से तुलना कर देंगे। आप लाभ निकाले तो लाभ लिख के क्रय मूल्य से क्या कर देंगे तुलना कर देंगे, हानि निकाले हैं तो हानि लिख करके क्रय मूल्य से क्या कर देंगे तुलना, प्रतिशत निकाले सबसे गुणा कर देंगे, ठीक है। ध्यान रख फिर देखिए आप एक इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, इसको पहले छोड़ देते हैं। एस पी जी क्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इनटू वन प्लस प्रॉफिट बाई 100, ठीक ना। फिर अगर हम लोग लॉस में देखेंगे तो एस पी बराबर होता है सी पी इनटू वन माइनस पी बाई 100। तो ये दो क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। फिर देखिए आप एक क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है, एम आर पी जो भी आपका एम आर पी प्राइस है और उसको हम लोग सी पी से तुलना करते हैं और 100 प्लस पी और 100 माइनस डी, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें सोल्व करने का मिलेगा। फिर देखिए अगर डिस्काउंट परसेंटेज हम लोग निकालना रहेगा तो डिस्काउंट निकालना तो डिस्काउंट भी दिखाएगा आपका और तुलना किससे होगा आपका इसका डिस्काउंट का एम आर पी, क्यों, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट निकलता है निकालते हैं किस पे एम आर पी पे और हमेशा लाभ किस पर निकलता है ट्रैमूल पे और किस पर निकलता है आपका ट्रैमूल पे, इसके समझ में आ गया। लेकिन देखिए आप क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करते हैं तो देखिए आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा, 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर, किस क्या के लाभ पे, लाभ पे ना, तो लाभ हमेशा किस पे निकलता है आपका क्रय मूल्य पे, लेकिन मेरा क्रय मूल्य होगा कि विक्रय मूल्य होगा आपका। अगर समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो इतना तो दिमाग लगा सकते हैं कि क्या बोल रहा है लाभ पर, लाभ किस पे निकलता है आपका क्रय मूल्य पे, ये क्या होना चाहिए आपका क्रय मूल्य होना चाहिए आपका। तो देखिए आप सी पी मेरा क्या हो गया 630 रुपया हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका लाभ दे रखा प्रॉफिट कितना 12.5% हो गया आपका। अब हम लोग क्या करेंगे प्रतिशत इसको हटा देंगे, प्रतिशत क्या करेंगे इसको हटाएंगे 12.5 भाई कितना 100 हो जाएगा आपका, फिर पॉइंट हटाएंगे आपके 100 × 10 25 × 100 5 × 10 एक बटे कितना, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे नीचे वाला हमेशा क्या रहेगा आपका क्रय मूल्य रहेगा आपका, नीचे वाला क्या रहेगा क्रय मूल्य, अगर लाभ रहेगा तो प्रॉफिट होगा और अगर लॉस रहेगा तो
100 का आपका, ठीक है, प्रॉफिट रहेगा तो प्लस और लॉस रहेगा तो माइनस, हो गया आपका पे। अब देखिए यहाँ पे ये मेरा क्रैमोल, ये मेरा प्रॉफिट है, तो क्रैमोल कितना हो जाएगा आपको, यहाँ से 8 रुपया खरीदे हैं, 1 रुपया लाभ हुआ, तो क्रैमोल कितना हुआ आपका, 9 रुपया हो गया आपका, हुआ ना। तो अब देखिए आप क्या बोल रहा है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ये आपका विक्रय मूल्य है, सॉरी 630 रुपया के, 630 रुपया में 12% का लाभ तो क्या कर आपका बेची गई है, ठीक ना, यहाँ पे क्या गया आपका बेची गई है, एक बार फिर से इसको देख लीजिए, 630 रुपया में 12.5% के लाभ पर क्या गया आपका बेची गई है, यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगा आपका 630 रुपया, तो प्रॉफिट मेरा कितना 12.5%। अब विक्रय मूल्य आपका 630 है और क्रय मूल्य आपका यहाँ कितना 8 है, यहाँ से एसपी कितना है 9 है, चूंकि 9 यूनिट बराबर कितना 630 रुपया होगा, तो एक यूनिट बराबर कितना 630/9 63 कितना 70 यूनिट, कितना यूनिट निकालना है हम लोग का, 8 यूनिट निकलना है, तो 8 यूनिट बराबर कितना 8×70 8×56 560 रुपया, ठीक है, इसको थोड़ा फास्ट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका, 1470 रुपया में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य याद करें, तो क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है, और क्या दे रखा लाभ दे रखा आपका, जो पूर्णांक में दे रहा है इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा ये सब से हमको मतलब नहीं है, ठीक ना, बेची गई है तो क्या दे रखा अभी क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे 16.2/3% 48 प्लस 2 50/3% 50/3 क्या हो जाए आपका 100, 50×100 1/6, ये मेरा क्या हो जाएगा सीपी, ये क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, यहाँ से एसपी कितना हो जाएगा आपका सीपी प्लस प्रॉफिट, देखिए यहाँ पे कितना 7 हो गया आपका, देखिए यहाँ पे यहाँ से मेरा 7 यूनिट बराबर मेरा कितना है 1470 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना 1470/7 7×14 210 1 यूनिट बराबर कितना 210, तो निकालना हम लोग कितना है 6 यूनिट में ना, क्रय मूल्य मेरा कितना 6 यूनिट, तो 6×210 बराबर कितना 0.6×6=1260 रुपया, समझ में आया होगा, इसको नेक्स्ट देख लीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, इसको कुछ लिखो नहीं किया,
देखिए आप क्या बोल रहा आपका, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, ठीक ना, अब विक्रय मूल्य पर बोला है तो देखिए आप जिसके पीछे पर रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका, तो 16.2/3% के मतलब क्या होता है आपका, 1/6 होता है आपका। अभी जस्ट निकाले हैं 1/6, तो अब देखिए नीचे वाला मेरा सीपी होगा कि एसपी होगा, सॉरी सीपी होगा कि एसपी होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा, विक्रय मूल्य पर, ठीक ना, ठीक ना, यहाँ पे क्या आपका विक्रय मूल्य पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक ना, और ये मेरा क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट, तो सीपी क्या हो जाएगा आपका, तो सीपी हो जाएगा मेरा पे, पांच हो जाएगा आपका होगा, क्योंकि एसपी में से प्रॉफिट हम लोग घटाएंगे तो क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे मेरा कितना हो गया आपका सीपी बटे। अब देखिए यहाँ पे क्या निकालना हम लोग, क्या है नहीं वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है, तो देखिए प्रॉफिट मेरा कितना है एक, सीपी में और सीपी मेरा कितना पांच, एक बटे कितना पांच गुने कितना 100 × 25 100, तो वास्तविक जो लाभ हुआ आपका कितना 20% हुआ आपका, लिख लीजिए इसको, क्वेश्चन था आपका तीसरा नंबर। फाइव नंबर देख लीजिएगा, फाइव में क्या बोल रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर बेच रहा है आपका, तो प्रतिशत में कितना दे रहा है 2.5% आपका, तो 2.5 × 100 × 10 100 1/ कितना 40। अब देखिए यहाँ पे किस पर बोल रहा है आपका, विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर है, ये मेरा क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा आपका, अरे क्या जाएगा लॉस बता रहा, हानि बता रहा है ना, तो हानि हो जाएगा, देखिए मेरा क्या हो जाएगा लॉस, तो देखिए पे हमसे निकालना हम लोग क्या है सीपी, तो बताइएगा कलम को खरीद हम लोग बेचे हैं कितना में 30 रुपया में, और हानि हो हुआ है मेरा कितना 10 रुपया, तो क्रय मूल्य कितना होगा आपका, हानि का मतलब क्या हुआ लॉस हुआ ना, इसका मतलब क्या 10 रुपये लॉस हुआ है, तो 40 रुपये में खरीदे होंगे, 30 और 10 कितना 40 में खरीदे, तो कितना है आपका एसपी मेरा कितना है 40, और ये लॉस मेरा कितना हुआ 1, प्लस क्या रहा आपका 1, कितना 40 हो गया आपका, प्रतिशत हम लोग क्या करना हानि प्रतिशत निकालना आप लोग को, तो कितना हानि कितना है हम लोग को 1 रुपया, और सीपी मेरा कितना 41 रुपया गुने कितना 100 100 कितना 41, इसको निकाल लीजिएगा प्रतिशत में। छठा बनाने का क्वेश्चन क्या बोल रहा आपका, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट आपका, 16 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य होगा आपका, ठीक है ये 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य की क्या है आपका बराबर है इसका 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का, ठीक है इधर क्या होगा आपका सीपी बटे एसपी बराबर कितना 14/16, तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य मेरा विक्रय मूल्य मेरा क्या ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कितना 16, क्रय मूल्य मेरा कितना 14, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा ना, तो प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है आपका 2 का हुआ। अब देखिए क्या बोल रहा है आपका लाभ या हानि याद करना, तो हमको हो रहा है क्या प्रॉफिट हो रहा है, लाभ प्रतिशत निकालेगा आपका, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है आपका लाभ मेरा कितना 2, और किससे हम लोग तुलना करेंगे क्रैमूल से, तो क्रैमूल कितना मेरा 14 रुपया अगुने कितना 100 100 बटे कितना 7%, इस तुलना का तोड़ लीजिएगा
इसको लिख। नेक्स्ट देखेंगे सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन क्या बोला आपका? 2750 2750 वस्तुओं क्या है आपका? त्रिभुज है कि बोल आपका 2500 वस्तुओं का क्या विक्रयमूल बोले आपका? 2750 वस्तुओं का क्या क्रयमूल? 2500 वस्तुओं का क्या आपका विक्रयमूल? तो सीपी और एसपी को चार गुना कर लेंगे। सीपी बटे क्या होगा आपका? एसपी। तो 2500 बटे 2750 एक जीरो से कैंसिल। कौन से काटे इसको? 50 10 बजे 25 बट बजे 25 10 और 11। सीपी मेरा क्या हो गया? 10। एसपी मेरा क्या हो गया? 11। तो एसपी मेरा ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो क्या होगा आपका? प्रॉफिट होगा आपका। प्रॉफिट कितना होगा आपका? 1 होगा आपका। वही हो रहा ना? तो क्या पे प्रॉफिट पर लाभ पर जगह हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? लाभ ऊपर में कितना? 1। प्रैमूल मेरा कितना? 10 गुने कितना? 100। कितना? 10% हो गया आपका आंसर। ठीक है इसको।